दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज एक स्पेशल वॉक आएंगे। ये सामने दिख रहा है, ये हमारा एक ट्रेन एक्सीडेंट अभी अभी जस्ट हुई है। और ये आप ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद की जो कंडीशंस है, एक्चुअल में ये मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल की होती क्या है कि लोग जब कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो आदमी को अलर्टनेस के चेक करने के लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मॉक ड्रिल कर दी है। आज पूरे टाइम हम उनको मॉक ड्रिल दिखाएंगे। जगह की एक बूथ बनी जाती है जिस बूथ में सब चीज़ें अरेंजमेंट रहती है, मेडिकल की, सिग्नलिंग की, टेलीकम्युनिकेशन की, कमर्शियल की, पैसेंजर्स फैसिलिटीज़ की, एमिनिटीज़ की। और ये भीड़ पूरी लगी हुई है, तो इस पूरे भीड़ में आप कंडीशंस देख सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या जगह हैं। मैं जूम करके दिखाऊँ तो सिक्योरिटी पर्सनल के साथ में पूरे टेंट वगैरह लगे रहते हैं। इस टेंट में आपको दिखेगा कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जगह है, और वो पैसेंजर्स की हेल्प के लिए, जो पैसेंजर्स घायल हुए या जो पैसेंजर्स परेशान हैं, जिनको कमर्शियल दूसरी ट्रेन पकड़वानी है। और ये एक्सीडेंट की एक परिकल्पना की गई है कि अगर हमारे ट्रेन में कोई एक्सीडेंट होती है और बोगियाँ इस प्रकार चढ़ जाती है तो रेस्क्यू के लिए क्या करना है। तो एक्चुअली क्या है, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन बचता है। वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बच चुकी है। होता क्या है कि जब कहीं किसी साइट पे एक्सीडेंट हुई तो वो एक्सीडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन बचती है। वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बच चुकी है, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। अब क्या है कि वो एक मेडिकल वाहन होती है, स्पेशल आरएमई, एआरटी, क्रेन, वो सब धीरे धीरे इस प्लेस पे आएंगी, पैसेंजर्स को बचाया जाएगा और एक चीज़ें बनेंगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। पूरी मॉक ड्रिल दिखाएंगे कि एक ट्रेन एक्सीडेंट होना और उसके पीछे जो वर्क करते हैं रेलवे के लोग, किस प्रकार से अलर्टनेस के साथ काम करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तैयारियां चल रही हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग लगभग आ गए हैं। जो हेडक्वार्टर से एआरएमई यानी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन होती है, जिसको हम लोग एआरएमई बोलते हैं, वो अभी तक नहीं पहुंची है। एक्चुअली जहां पे ये एक्सीडेंट हुई है वहां से हेडक्वार्टर की दूरी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास है। स्कूटर बच चुकी है, वो वहाँ से निकल चुके हैं। पैसेंजर्स की सुविधाएँ के लिए जो चीज़ें करनी है डिपार्टमेंट वाइज वो किया जा रहा है, और लोकल जो अपनी छोटी मोटी सुविधा व्यवस्थाएं हैं डॉक्टर की, रिप्लेसमेंट की, वो किया जा रहा है। जो रेस्क्यू टीम चलेगी, रेस्क्यू ऑपरेशन तब चलेगी जब हमारे हायर अथॉरिटीज़ लोग एआरएमबी से पहुंच जाएंगे और एआरटी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन वो भी पहुँच जाएंगी। तो इन दोनों के पहुँचने के साथ ही रेस्क्यू शुरू हो जाएगी, और जब रेस्क्यू शुरू होगी तो मैं आपको पूरी वीडियोस दिखाऊंगा कि ये कैपेसाइज बॉगी को हटाना, उसके साथ में पूरी एक प्रोसेस के साथ में जितने पैसेंजर्स को अपनी जगह पे पहुंचाना। और ये जो एक के ऊपर एक बॉगी चढ़े हैं, इसमें ऊपर वाले बॉगीज में कुछ पैसेंजर्स फंसे हुए हैं, उनको भी रिलीज करना। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी हम वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम पूरी एक एक्सीडेंट आपको यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं।
कोई ट्रेन ड्रिलमेंट होती है तो उसके बाद अगर वो कैपेसाइज हो गई, बोगी सीधा नीचे आ गई, तो कैसा कंडीशन रहेगा नीचे का, ये आप देख सकते हैं। ये बॉगीज के भीतर का सीन है, बॉगीज के नीचे में ये व्हील सेक्शन, ये इसकी पूरी, ये ब्रेक शू, पूरा का पूरा बॉगी का परमिशन आपको हम दिखा सकते हैं। कंडीशन आएंगे, एक्सीडेंट साइड में स्लीपर में भी टूट चुकी है और टूटे हुए स्लीपर को राइड करने के लिए पीवे के लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। और उसके साथ में SPRM भी आ गई है, ये स्पेशल सेल्फ प्रोपेल्ड रेलवे मेडिकल वाहन है। बगल में NDRF की टीम लगी हुई है, NDRF अपना कैंप बना रेडी कर लिया है, ये भी टीम मॉक ड्रिल में शामिल होती है। और इसके साथ में भी बहुत सारे काम हम लोग देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी एक्सीडेंट साइट पे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो गई है, रास्ते ट्रेन एक्सीडेंट, ये सारे देखने को मिलती है। बहुत कम साल दो साल में एक आध कम्प्लीट हो पाती है, ये इतनी मास अमाउंट में रेलवे कर पाती है। तो हर चीज़ को भी हम आपको दिखाएंगे बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। NDRF की टीम
जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट हैं सबकी अपनी अपनी बूथ होती है असिस्टेंस के लिए, उनमें मदद करने के लिए। जब भी इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं होती है तो आदमी अलर्ट है या नहीं, स्टाफ अलर्ट है नहीं, उसकी प्रिपेयरनेस के लिए ऐसे करके प्रोग्राम किया जाता है। से मैंने आपको पूरी के पूरी रेस्क्यू प्रणाली दिखाई, एक्सीडेंट का सिस्टम दिखाया, ये अब तक चल रहा है। एक्सीडेंट के बाद मेडिकल रिलीफ वैन आई, मेडिकल रिलीफ वैन में सारे जो पैसेंजर्स फंसे हुए थे, जो लोग फंसे हुए थे उसके अंदर में, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं, उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया। आफ्टर रेस्क्यू अब जो होगी, अब इसको कैपेसाइज करने का काम किया, क्योंकि लाइन भी तो क्लियर करना है, जिस लाइन में एक्सीडेंट हुई है उस लाइन को क्लियर करना है, फिर उसकी फिटनेस देनी है, उस पर ट्रेन चलानी है। तो युद्ध स्तर पर अभी फिर इसके पीछे अपने जगह पे ARTC की क्रेन सेट हो गई है। ARTC के क्रेन की मदद से ये गरुड़ क्रेन 140 टन की कैपेसिटी की ये गरुड़ क्रेन है। इस क्रेन की मदद से ये जो कैपेसाइज बॉगी है, इस कैपेसाइज बॉगी को अब नॉर्मल किया जाएगा। बहुत ही टिपिकल वर्क होता है ट्रैक को नॉर्मल करना। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इस क्रेन के माध्यम से दोनों बॉगी को हटा के किया जाता है। सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, जब एक्सीडेंट एक्चुअल में होता है तो तक ये तो डेमो है, तो थोड़ी बहुत चलती है, समय लेट करती थी।